कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अशोकनगर में माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन द्वारा संचालित 100 बिस्तरों वाले क्वारंटाइन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस सेंटर को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस बनाया गया है, जिसका शुभारंभ सोमवार को राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने किया और अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने इस सेंटर के बारे में अधिक जानकारी साझा की है। जिसके माध्यम से आप सबको पता है कि लाइफलाइन ट्रेन आती थी, जिसमें करोड़ों रुपए का बैंक खुद श्रीमंत सिंधिया जी करते हैं के माध्यम से। तो अब चूंकि ये मौका इस समय जो आया है, हमें कल्पना नहीं की थी, उसमें महाराज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी इच्छा है कि जहाँ भी जरूरत लग रही है या कमी है, तो वहाँ माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य मिशन की ओर से क्वारंटाइन सेंटर खोले जाएँ और जो भी व्यवस्था हो सके उसकी सारी प्रोटोकॉल है, जो सुबह से कि उस पेशेंट को क्या नाश्ता दिया जाना है, खाने में क्या होना चाहिए, नाश्ते में क्या होना चाहिए, सुबह से शाम तक जो भी खर्चा आएगा वो सब माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य मिशन उठाएगा। इसके लिए हम श्रीमद महाराज ज्योतिराव सिंधिया जी को आप सबके माध्यम से अपने पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि महाराज कितना आप हम लोगों से ध्यान रखते हैं क्षेत्र के बारे में। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।